अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शाहज़ेब आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं राइट पाकिस्तान। नाज़रीन, आज लाहौर के इलाके बागड़िया में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ हुआ है टिकटॉकर्स के लिए। यहाँ पर काफ़ी टिकटॉकर स्टार आए हुए हैं और मेरे साथ कुछ टिकटॉकर मौजूद भी हैं, तो इनसे हम मज़े की बातें भी करेंगे। और मज़े की बात यह है कि मेरे साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉकर भी मौजूद है पाकिस्तान के, तो इनसे भी बात करेंगे कि टिकटॉक को बैन कर दिया गया, आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो इसका हल निकालें, तो बात करेंगे। और ये भी मज़े की बात करेंगे कि आप ये महीना का कमाते कितना है और दूसरी शादी का क्या प्लान है इनका, तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, दूसरी शादी वाला सवाल था जवाब बाबा आप ही देगा, मेरी से पहले ही बड़ी होकी चल रही है, कोई मसला तो नहीं कर जाके? नहीं नहीं, अलहमदुल्ला नहीं, ये ना हो दूसरी शादी भी आप घर पहुँचे हो पहले ही बीवी ने थापा पकड़ा हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। जितने भी टिकटॉकर हैं ना, अगर उनकी बेगमात उनको सपोर्ट ना करे तो वो टिकटॉकर बन ही नहीं सकते। सही है, ज़िंदगी का पहिया जो है ना वो शक के ऊपर कभी नहीं चलता। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज हम टिकटॉकर हैं, हम पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, तो हमारी बेगमात को भी पता है कि ये एक सोशल मीडिया पे काम करते हैं और सोशल मीडिया पे पब्लिक प्रॉपर्टी इंसान होता है। बाकी रही टिकटॉक के बैन होने की बात, इंशाल्लाह एक तो विद इन वन वीक टिकटॉक ओपन हो जाएगी, तो इसमें कुछ तब्दीलियाँ होंगी, कुछ कम्युनिटी गाइडलाइन सख्त हो जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट के बाद उन्होंने पाकिस्तान पूरे के अंदर जुज़वी तौर पर बंद किया, पूरे पाकिस्तान के ऊपर अंदर मुकम्मल तौर पर बंद नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी चाहिए कि जितनी भी दूसरी एप्लीकेशनें हैं, जिस तरह लाइक की है, स्नैक वीडियो है, हमें उस पर भी काम करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमें एक एप्लीकेशन के ऊपर अब नहीं रहना चाहिए। टिकटॉक के बार बार बंद होने के बाद हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह कोई बात मसला नहीं है, हम स्टार हैं, हम स्टार ही रहेंगे। ये टिकटॉक बंद भी कर सकते हैं तो कर लें, हमें सुपर स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। लोग हमारी इज्जत करते हैं, लोग हमारे साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, लोग हमारे साथ वीडियो बनाते हैं, और ये एजाज़ हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया है, ये इज्जत हमें अल्लाह ने बख्शी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। बंद किया गया, बैन किया गया, उसके पीछे ये कहानी है कि लोग फाशी वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है, गैर कानूनी वीडियो अपलोड करते हैं, जो लोग अपलोड करते हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे? देखें, सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेंडा ये यूट्यूबरों ने जो इख्तियार किया है टिकटॉक के बारे में, मैं समझता हूँ कि यूट्यूब से ज़्यादा सख्त कम्यूनिटी गाइडलाइन टिकटॉक के अंदर हैं। अब बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट जितने भी सियासतदान हैं वो ट्विटर को यूज़ करते हैं, अब ट्विटर के ऊपर आप मुकम्मल फहाशी वीडियो अपलोड कर सकते हो, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। अब स्नैक वीडियो आई है उसके ऊपर आप गंदी से गंदी वीडियो अपलोड कर रहे हो, वहाँ फहाशी नहीं हो रही, टिकटॉक के ऊपर ही क्यों हो रहा है? अब मसला क्या है मेरे भाई, जितनी देर बड़े बड़े आप एक तरफ फिल्म स्टार का बंदा जा रहा हो, इंडस्ट्री का बंदा, और एक तरफ टिकटॉकर जा रहा हो, 70 बंदे अगर टिकटॉकरों को पकड़ेंगे तो 75 बंदे जो 70 बंदे अगर फिल्म स्टार के साथ होंगे तो 75 बंदे जो है टिकटॉकरों के साथ होंगे। लोग इनसे खायफ हैं, लोग इनसे परेशान हैं। ड्रामा आर्टर्स को प्रमोशन के लिए अब टिकटॉकरों के पास जाना पड़ रहा है, बड़े बड़े सिंगर जो हैं उनको प्रमोशन के लिए हमारे पास आना पड़ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ ये वजह है, ये खौफ ज़दा है। और इंशाल्लाह ताला जितनी मर्ज़ी ये कोशिश कर लें, हम टिकटॉकर हैं और हम रहेंगे और हम इस एप्लीकेशन को बंद भी नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात यह कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टिकटॉकर्स हैं, ठीक है, तो आपको नवाजा गया, काशिश जमीर साहब ने आपको बनाया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर, किसी को इतराज़ नहीं था जब आपको बनाया गया मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? किसी को इतराज़ तो नहीं था? नहीं, मेरी बात सुने, टिकटॉक क्या है? एंटरटेनमेंट की एप्लीकेशन। बेसिकली अगर मैंने ये कैदिज़्म की टोपी पहनी तो मैं कैदिज़्म तो नहीं बन गया, मकसद ये है कि हम अपने गेटअप के अंदर पूरी एंट्री करके एंटरटेन कराने की कोशिश करते हैं। उसमें हमारे हेटर भी होते हैं, हमारे लवर भी होते हैं। भाई, टिकटॉक किसी की बाप की नहीं है, तुम भी अपनी एक वीडियो लगाओ कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ टिकटॉक, मुझे कौन सी तनख्वाह मिलती? जो मुझे तनख्वाह मिलती है वो आप ले लें। सिर्फ हम एप्लीकेशन के ऊपर इंटरटेनमेंट करवाते हैं। अब बाबा जी बागड़िया हैं, उसने अभी मुझे कल परसों डेली पाकिस्तान के ऊपर या उर्दू पॉइंट के ऊपर मैंने एक इंटरव्यू देखा, एक बाहर से गोरी आई हुई थी और उसने पाकिस्तानी लड़के के साथ शादी की, तो पाकिस्तानी लड़के ने इंटरव्यू के एंड में कहा बाबा जी सियालकोट, तो गोरी ने कहा बाबा जी बागड़िया। यानी कि ये देखें, ये हमने कितना फेम दिया अपने इलाके को। होना तो ये चाहिए था कि बागड़ियों के लोग उठते, फूलों की चादर लेते, लुबना के ऊपर बनाते, उसको अवार्ड देते कि आपने बागड़िया का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। अब होता क्या है, चंद कम ज़र्फ़ लोग जो होते हैं ना, जो हमारे हेटर होते हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, मेरी आईडी मेरी मर्ज़ी है, जिस तरह मर्ज़ी चलाऊँ, लेकिन हम इंटरटेन कराने की कोशिश करते हैं भाई, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, ना दिल से किसी के ख़िलाफ़ वीडियो बनाते हैं। सर, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, तो हमें भी कोई कितने ऐसे में आपको ये फेम मिला? मुझे याद है पिछली फरवरी में मैं पाकिस्तान सुपर लीग में पाकिस्तान का झंडा पहनता हूं, तो मुझे कुछ टिकटॉकर मिले जो जिनको मैंने कहा कि मेरे फेमस होने के लिए मेरे साथ वीडियो बनाए, जिस तरह आज हमारे साथ बनाते हैं। तो 8,000 थे पिछली फरवरी में, आज मेरे 1.5 मिलियन हैं। तो मुझे एक साल के अंदर, एक साल से भी बेहतर, जब कोरोना के दिन चल रहे थे ना, तब मैंने
जो है टिकटॉक स्टार्ट किया और अलहमदिल्ला मुझे फेम मिला। तो सर मुझे ये बताएं कि हमें भी कोई ट्रिक जो फेम हासिल करना चाहते हैं लोग जो टिकटॉकर्स में, ठीक है, तो हमें ट्रिक क्या ऐसी ट्रिक है जो हम भी फेम हासिल कर सकते हैं उस चीज़ के लिए? सिंपल है, आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ें कि जो बहुत जल्द फेम ले रहा है, आप उसको फॉलो करो, आप देखो कि वो किस तरीके से आगे जा रहा है। 99% अपनी वॉइस के अंदर लोग आगे जाते हैं, अपने कंटेंट के अंदर आगे जाते हैं। बाबा जी बागड़िया ने जब इसने देखा कि बाबा जी सियालकोट चल रहा है, वो एक ट्रेंडिंग वेज था बाबा जी सियालकोट का, अब उसको भी इतना फेम नहीं है उसके पास भी, मतलब उसकी वीडियो उतनी वायरल नहीं होती बाबा जी सियालकोट पर, लेकिन उस टाइम वो पीक पॉइंट पर थी। उस टाइम इसने उसको पकड़ा और उस जो है उसका जो एक वे था उसी वे के ऊपर इसने बाबा जी बागड़िया स्टार्ट किया तो ये आगे निकल गई। अब इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर आपने भी फेमस होना है तो आपको अपनी वॉइस अपना कंटेंट खुद क्रिएट करना होगा जिसको लोग कॉपी करें। जब आपकी वॉइस के ऊपर लोग वीडियो बनाएंगे ना तो आप इंशाल्लाह वायरल हो जाएंगे। सर मुझे ये बताएं कि जो लोग लाहौर से फैसलाबाद के आपस में बातें करते खिलाफ लाहौर की फैसलाबाद में, फैसलाबाद के लाहौर के, सियालकोट में, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद के आपस में खिलाफ बातें करते हैं, ठीक है, शुरू शरी करते हैं खिलाफ में, तो इनके लिए क्या मैसेज हो? देखें हमें सबसे पहले पाकिस्तान की बात करनी चाहिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए बात करनी चाहिए। बाकी ये होता है कि टिकटॉक का एक असूल है कि जब आपके ख़िलाफ़ लोग कमेंट करते हैं ना तो वो वीडियो ज़्यादा वायरल होती है। अब लोग वायरल होने के लिए क्या करते हैं कि किसी शहर का नाम ले लेते हैं। अब लाहौर के ख़िलाफ़ अगर कोई वीडियो बनी तो लाहौरी क्या करेंगे, उसके ऊपर गलत कमेंट करेंगे। जब उसके ऊपर कमेंट कर रहे होंगे उसके पीछे वीडियो चलती रहेगी, उसका वॉच टाइम बढ़ता रहेगा, वो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉर यू पे चली जाती है। होना इस तरह के नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है, हर एक शख्स को हक है कि वो अपने शहर से प्यार करें, लेकिन अपने प्यार में इस हद तक अंदर ना हो जाए कि दो शहरों की मखालफत हो जाए। आप अपने शहर की तारीफ करो, खुल के करो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। सर मुझे ये बताएं कितना कमा लेते हैं महीना ये इस फील्ड से? तरीका सबसे बड़ा झूठ है कि टिकटॉकरों को कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन टिकटॉक के ज़रिए हमें बड़े सोर्स मिल जाते हैं जिससे हम पैसे कमाते हैं। मैं पिछले 2 साल से यूट्यूब पर काम करना चाह रहा था लेकिन यूट्यूब पर नहीं बन सका, जो ही मैं टिकटॉकर बनाऊँ तो मुझे यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा फेम मिला और मैं यूट्यूब से पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन वे है टिकटॉक का कि इससे हम इसके ज़रिए हम पैसे कमा सकते हैं, लेकिन टिकटॉक पे पैसे नहीं मिलते। दूसरी शादी का क्या प्लान है? देखें मेरी 3 बेटियां हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी बेहतर तरबियत करूं और उनकी शादी के बारे में सोचूं। मैं दूसरी अपनी नहीं, मैंने कहा शादी अभी 40-45 साल एज हो गई है, बच्चों को बड़ा करेंगे, बच्चों के बारे में सोचेंगे। हाँ अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में 2 से 3 बीवियाँ लिखी हुई तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। आप दूसरी शादी का सोच रहे हो, घर में आपकी वाइफ वीडियो देख रही हो तो मसला बन जाए। देखें सबसे पहले इंसान जंग जीतने के लिए ना आपको जो अपने फौजी हैं ना उनके साथ तावन करना चाहिए, उनके साथ मिलकर जंग आप जीत सकते हो। अगर आप घर से जंग हार जाओ तो आप कभी जीत नहीं सकते हो। तो आपकी बेगम, आपकी बीवी, आपकी सपोर्टिव होनी चाहिए, आपकी दोस्त होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई डर नहीं रहता। बहुत शुक्रिया, टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच, लव यू, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ कुछ और टिकटॉकर भी मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, भजन क्या हाल है? आज इवेंट में है, कैसा फील कर रहे हैं आपके फैंस आगे पीछे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं हम, आपका भी शुक्रिया। कहाँ से बिलोंग रखते हैं सर आप? जी कहाँ से ताल्लुक रखते हैं आप? मैं गुलशन अभी लाहौर से। एक बाबा जी शेराकोट का कोई नारा लगा दे। हाँ बाबा जी शेराकोट, कोई शेरो शायरी भी साथ हो ना? शेरो शायरी नहीं आती। सर आपको कितना ऐसा लगा इस फील्ड में और टिकटॉक बना रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का भी काम करता हूँ, टिकटॉक भी बनाता हूँ। कितना अर्सा हो गया आप इस फील्ड में टिकटॉक में? तकरीबन मुझे 6 माह हो गए हैं। हाँ जी। कितने फॉलोवर हैं सर आप? ये तो मुझे मालूम नहीं है, इस टाइम बंद है टिकटॉक। नहीं वीपीएन के जरिए लोग यूज़ कर रहे हैं। वो ठीक है बात आपकी, लेकिन मैं बता सकता अगर टिकटॉक ऑन होती तो मैं अभी बता देता, अभी इतने मेरे फॉलोवर ने। हाँ जी फॉलोवर्स पर डे के हिसाब से आ रहे हैं, तो उन्हें खुद नहीं पता कि मेरे कितने फॉलोवर्स हैं इस टाइम। ऐसी ट्रिक बताएं हमें भी, हम भी आप फेम हासिल कर सके ताकि। ये तो ट्रिक नदीम महरी बता सकता है जनाब। सर आप बताएंगे आप, क्योंकि आपको मैंने काफी दफा देखा है टिकटॉक पे। वो तो ठीक है, वो तो बात ठीक है, नदीम महरी बता सकता है टिकटॉक की ट्रिक। काफी वीडियो देखी है, वो लुबना के साथ आप गाड़ियों पे चढ़े हैं। बिल्कुल है मेरी, बहुत ज्यादा है नदीम। ठीक बता रहे सर, पर्सनली बात है, किसी को शेयर नहीं करेंगे। मुझे तो यकीन जाने नहीं पता, नदीम महर को पता है, वो ही लगाता है हमारी। नहीं यकीन जाने मुझे नहीं पता, नदीम महर लगाता है मेरी टिकटॉक। हाँ जी। अच्छा ये अपलोड करते हैं? हाँ जी ये अपलोड करते हैं। क्या रिश्ते आपस में? दोस्त है हमारा, बहुत अच्छा दोस्त है हमारा। हाँ जी हाँ जी 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 जी। अच्छा सर मुझे ये बताएं, आज इवेंट पे आए हुए हैं आपके फैंस आगे पीछे हैं, ठीक है, आपसे सेल्फी ले रहे हैं, कोई इंतजार में खड़े हैं आपके, ठीक है। मैं जब आया था स्टार्ट पे तो मैंने काफी देखा था कि
गेस्ट आ रहे हैं, टिकटॉकर स्टार्स आ रहे हैं, तो सेल्फी ले रहे हैं, कैसा फील होता है सर? आप बाहर जाते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, फैंस आपको मिलते हैं, कैसा फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत ही प्यारा लगता है। कोई आता है, इज्जत देता है, आपको भी देनी चाहिए मुझे, ठीक है, आपको देगा तो आप भी इज्जत देंगे, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है भाई। सर मुझे ये बताएं नेक्स्ट इवेंट कहाँ पे हो रहा है, आप हम भी वहाँ पे पहुँचे, पहले ही पहुँचे? अभी तो टिकटॉक बंद है, हाले प्लान नहीं हुआ आगे से क्या करना है, कहाँ इवेंट होना है, होएगा तो इंशाल्लाह बताएंगे ज़रूर। माइंड नहीं आपने बनाया हुआ कि टिकटॉक को बहाल करें किसी तरीके से, कोई प्लान नहीं आपका? नहीं अभी तो कोई प्लान नहीं है, टिकटॉक बंद है, जब ऑन होगी तो फिर प्लान बताएंगे हम क्या करना है आगे से। अगर ये खुले ना फिर अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि टिकटॉक बहाल कर दी जाए, ठीक है, लोग एंटरटेन करते हैं, अच्छा फील करते हैं, ये हमारा मुतालबा गवर्नमेंट से। हमारे साथ एक और टिकटॉकर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, आपको तो एक मोबाइल भी मिला है आज। कितने का मोबाइल होगा? मुझे आइडिया नहीं है कितने का होगा मोबाइल। वो मोबाइल तकरीबन मेरे ख्याल से होगा 18-20 हज़ार तक। 18-20 हज़ार का मोबाइल मिला है आपको? सॉरी 25,000 का। सर आज हमें भी कोई पार्टी शार्टी दे रहे हैं? कोई नहीं। नहीं नहीं, मैं पार्टी तो करूंगा लेकिन अपने महल्ले जाके बाबा जी शराकोट में पार्टी करूंगा मैं। सर कोई नारा लगा देना, बड़ा शराकोट नाम सुने टिकटॉक पे, फॉर यू पे कोई नारा हमें भी लगा के दिखा देना। नारा यही है कि सबने मुझे फॉलो करना, लाइक करना, बाबा जी शराकोट। अच्छा सर मुझे ये बताएं आपके कितने फॉलोवर्स हैं? मैं तकरीबन एक मंथ हो गया मैंने स्टार्ट किया, लेकिन जिसमें बहुत इंटरटेनमेंट है, हम बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी करते हैं, लेकिन मुझे लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे महल्ले के लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और मुझे लोग जो मुझे जानते नहीं थे वो भी मुझे जानना शुरू हो गए हैं अब, और मेरे मतलब कि अच्छी मेरी फैन फॉलोइंग अब हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। बाकरिया में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है आज, ठीक है, तो बड़े मैंने टिकटॉक स्टार आए हुए, आप उसमें शामिल हैं, तो ऐसा होता रहेगा या आज का दिन ही है? नहीं नहीं इंशाल्लाह ताला, जैसे अब हम अब लुबना के इवेंट पे आए हुए तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला मैं अपने शेराकोट में एक इवेंट और अरेंज करूँगा, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स आएंगे, और स्पेशली मैं आपको भी इनवाइट करूँगा, आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको भी इनवाइट करूँगा। सर मुझे ये बताएं कि जब आप जाते हैं बाहर, मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी फोर्ड यू पे, आप ये लुबना आई हुई थी वहाँ पे आपके इलाके में शेराकोट में, जी जी, तो वही वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, मैंने फोर्ड यू पे देखी थी आपकी वीडियो, उसके बाद गाड़ियों पर चढ़े हैं आप लोग, प्राडो में चढ़े हैं, ऊपर छत पे चढ़े हैं, तो सर ये कब का सिलसिला शुरू हुआ है और कब ये चलता रहेगा? जी ये इंशाल्लाह ताला हमें लोगों का ऐसा प्यार मिलता रहेगा, हम उनके लिए वीडियोस वगैरह बनाते रहेंगे, ये तो इन लोगों का प्यार है जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, इन सब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमें बहुत ज़्यादा लाइक और फॉलो करते हैं, बाकी आप सब भी इसी तरह वीडियोस वगैरह बनाएं, हम आप लोगों को भी सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और बाकी ये है कि आप लोगों ने बाबा जी शेराकोट की वीडियो लाजमी बनानी है। हम शेराकोट कह देंगे एंड पे फर्स्ट पे, ठीक है, हम ट्रिक बता दें, वो भाई क्या कह आपसे ट्रिक लेनी है, आप ट्रिक बताएं हमें। ट्रिक श्रिक कोई भी नहीं है, बस ट्रिक बताएंगे, हमने आपकी भी चांद छोड़नी है। ट्रिक श्रिक कोई नहीं है, ये कि आप एक अच्छा यानी कि वीडियो में जान होनी चाहिए, आप उसको पोस्ट करो। हाँ ये है कि जो आप अपनी वीडियो बना रहे हो ना, वो किसी के मोबाइल पे आप वीडियो ना बनाए, ये स्पेशली सारे गौर करें इस चीज़ को कि जो बंदा वीडियो बना रहा है वो अपने अकाउंट पे ही जाके वीडियो बनाए, किसी के अकाउंट पे कोई वीडियो ना बनाए, क्योंकि वो उसका कॉपीराइट आएगा और वो वीडियो उसकी कभी भी वायरल नहीं होगी, वो उसके सिर्फ फॉलोइंग में रहेगी वीडियो, वो कभी वीडियो आपके फॉलोइंग में नहीं जाएगी। स्पेशली मैं हर किसी को कह रहा हूँ जो छोटे टिकटॉकर हैं वो ध्यान से इस बात को सुन लें कि वो अपनी आईडी में जाके अपने ही मोबाइल में वीडियोज़ वगैरह बनाएँ, किसी के मोबाइल पे वीडियोस ना बनाएं, क्योंकि अगर वो किसी के मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं तो उनका कॉपीराइट आ जाता है, जिसकी वजह से वो जब वीडियो पोस्ट करता है तो वो वीडियो से फॉलोइंग में कभी भी नहीं जाएगी, वो उसके अकाउंट तक ही रहेगी, सिर्फ वो फॉलोइंग उसके लोग वो देखेंगे, वो कभी सोशल मीडिया में कभी वायरल वीडियो नहीं वो होगी। मैंने काफ़ी लोग ऐसे देखे हैं, लोग मायूस हो जाते हैं, उनको व्यूज़ नहीं आते, फॉर यू पे नहीं जाती वीडियो, 3-4 मंथ हो गए, किसी को साल भी हो गए इस काम में, उनकी फॉर यू, लेकिन मायूस होकर वो काम छोड़ देते हैं, एक मशा दे देते हैं। मायूसी की ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, आप लोग हिम्मत करते रहें, इंशाल्लाह तआला आपकी वीडियो फॉर यू में आएंगी। अब मुझे 6 मंथ से ऊपर होने को होया था साथ, तकरीबन मेरी 5 मंथ कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, लेकिन फिर 1 मंथ हुआ माशाल्लाह मेरी सारी वीडियो फॉर यू में चल रही हैं, लेकिन यह है कि मुझे 5 मंथ मेहनत किया, मुझे उसका फल भी मिल रहा है, तो आप भी मेहनत करते रहे और इंशाल्लाह आपका भी एक दिन लक चलेगा और आपकी सारी वीडियो फॉर्जू में आएंगी। सर आपका लक तो चल गया, मोबाइल भी मिल गया, फॉर यू भी जा रहे हैं, इवेंट भी आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है जी जी, तो नेक्स्ट टाइम शेराकोट में है जी, तो हाँ नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह मतलब कि इनसे भी बड़ा इवेंट रखूँगा शेराकोट में, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा टिकटॉकर्स मौजूद होंगे, और इंशाल्लाह आप भी मेरा इंटरव्यू कर रहे होंगे वहाँ पर। बहुत शुक्रिया सर, टाइप दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू नाजी, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।